नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा कभी कभी बढ़ती है और कभी कभी घटती है? ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे डर के ऊपर। हमारे डर से वो कौन सी चीज है जो बढ़ती है, और वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हिम्मत से घटती है? जी हाँ, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम जंगल में किसी मार्ग पर जा रहे थे। रात को देर हो गई। जब देर हो गई तो कृष्ण जी ने और बलराम जी ने सोचा कि रात को बहुत देर हो चुकी है, हम रात को जंगल में सो जाते हैं। तो कृष्ण जी ने उपाय सुझाया। उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी जो है, एक जना जागेगा एक जना सोएगा। तो पहले बारी आई भगवान कृष्ण के सोने की, क्योंकि वो छोटे थे। तो जो बलराम जी थे वो रात को जो पहरा दे रहे थे, तो रात को जब देर हो गई तो एक राक्षस आ गया। जब राक्षस आया तो बलराम जी डर गए। जैसे ही बलराम जी डरे और बोले, अरे तुम कौन हो, डर के मारे जब बोले तो वो राक्षस का साइज जो था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और बलराम जी थोड़े सिकुड़ गए। जैसे ही राक्षस ने जोर से हंसा दहाड़ा, बलराम जी डर गए और उनका साइज और छोटा हो गया और सिकुड़ गए और राक्षस था और बड़ा हो गया। बिल्कुल आखिरी वक्त ऐसा आ गया, ये साइज राक्षस का बढ़ता चला जा रहा था और बलराम जी का छोटा होता चला जा रहा था। इतनी देर में जोर से बलराम जी ने बोला, हे कृष्ण, और बेहोश हो गए। कृष्ण ने सोचा कि नंबर उनका आ गया है। उन्होंने देखा कि बलराम जी बगल में सो रहे हैं। अब कृष्ण जी ने देखा कि वहां पे तो एक राक्षस है। तो कृष्ण जी ने कहा, अरे भाई कौन हो तुम, इतने बदसूरत दिखाई देते हो, क्यों जोर जोर से हंस रहे हो? कृष्ण बिल्कुल ना डरे। जब कृष्ण बिल्कुल ना डरे और उन्होंने इस ढंग से बड़े हिम्मत के साथ बात करी उस राक्षस से, राक्षस घबरा गया और राक्षस सिकुड़ गया। कृष्ण जी का साइज और बड़ा हो गया, वो और बड़े बन गए। कृष्ण जी ने फिर डांट के फटकार लगाई। जैसे जैसे कृष्ण उसको फटकार लगाते वैसे वैसे वो छोटा होता चला जाता। जी हाँ, जब सुबह हुई तो बलराम जी ने बोला कि अरे रात को राक्षस था आपने देखा? तो कृष्ण जी ने कहा कि अरे कौन से राक्षस की बात कर रहे हो? बोले वो राक्षस जो रात को बड़ा होता चला जा रहा था। तो कृष्ण जी ने वो मुट्ठी खोल के दिखाया कि वो राक्षस तो ये रहा, छोटा सा, उनके हाथ में धोती पहने दुबका हुआ उनके हाथ में बैठा हुआ था। कृष्ण जी ने कहा, ये है वो राक्षस। बलराम जी ने कहा, आपने इसको इतना छोटा कैसे बना लिया? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि ये राक्षस जो है वो हमारा डर है, ये राक्षस जो है हमारी चिंताएं हैं, ये राक्षस जो है ये वो चीजें हैं जिनसे हम जीवन में बचना चाहते हैं, सामना नहीं करना चाहते। जब जब हम किन्हीं चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, उनका सामना करना नहीं चाहते हैं, कोई ऐसी परेशानियां समस्याएं, हमारे मन के बनाए हुए भय और डर, जब तक हम उनसे डरते रहेंगे वह विकराल होते चले जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे और हम छोटे होते चले जाएंगे। जब हम डट के उनका सामना करेंगे, जीवन की परेशानियों का, चुनौतियों का जब हम जीवन में सामना करेंगे, तो हम बड़े होते चले जाएंगे और चुनौतियां बिल्कुल ऐसे छोटी हो जाएंगी जैसे कृष्ण जी के हाथ में वो छोटा राक्षस। हमें चाहिए कि जीवन में जो काम सबसे मुश्किल लगे, जो काम ज़्यादा चिंता देता हो, ज़्यादा परेशान करता हो, ज़्यादा चैलेंजिंग हो, उसको सबसे पहले करें, प्रायोरिटी पे करें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।